हेलो दोस्तों, शुभम की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तंदूर नान, वो भी तवे पे आटे से। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिसके लिए हमने लिया है 3 कटोरी आटा छान करके ले लिए हैं, और उसमें 1 कटोरी मैदा ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून नमक, या उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। 1 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे। दूध में मैं मिक्स कर दी हूँ ताकि इसमें मेल्ट हो जाए। मैं दूध से लगा रही हूँ आटा। 4 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करेंगे, और 1 कप में आसपास दूध ली हूँ, रूम टेम्परेचर पे है। इसमें मैं 1 चम्मच चीनी ऐड की हूँ मेल्ट होने के लिए। अब हम आटा लगा लेंगे। बिल्कुल नर्म आटा लगाना है, इसे सख्त ना गूथें। बिल्कुल नर्म आटा, सॉफ्ट आटा लगाना है, बिल्कुल नर्म। आप लोग देख सकते हैं, अगर दूध कम पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड की हूँ, 4 चम्मच के आसपास। बाद में आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा सॉफ्ट आटा लग चुका है। इसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे इसे और सॉफ्ट बनाने के लिए। 2 चम्मच तेल ऐड करती हूँ। अब इसे 5 मिनट के लिए और सान लेना है ताकि और सॉफ्ट हो जाए। आटा हमारा लग चुका है, इसे 1 घंटा के लिए रेस्ट के लिए ढक करके छोड़ देंगे ताकि आटा फूल जाए। आटा हमारा फूल चुका है। अब इसे चकले पे परथन लगाएंगे और इसका लोई काट लेंगे बराबर भागों में। लोई को हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, नहीं ज़्यादा छोटा रखेंगे, रोटी से थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। और इसे बेल लेना है जिस शेप में आपको पसंद हो बनाना। मैं रोटी के शेप में बेल रही हूँ, रोटी से थोड़ा ही मोटा ही रखेंगे। तंदूर नान जो हमारा है ऐसे ही बनता है। इस पे कटी हुई धनिया पत्ता और कलौंजी चिपका देंगे इसके ऊपर लगा करके। अब तवा गरम कर दिए हैं, इस पे ऐड करेंगे रोटी और पका लेना है उलट पलट करके। इसे हम सेकेंगे नहीं, ऐसे डायरेक्ट हम पका दे रहे हैं तवा पे ही। आप लोग देखिएगा कितने फूले फूले से बन करके तैयार होंगे। आटे से बना तंदूर नान आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसे ही हम एक एक करके सारे नान बना लेंगे। दोस्तों, आप लोग भी अपने घरों में ऐसे ही एक बार ट्राई करें आटे से बनाए नान। बिनयस्ट का हमने बनाए हैं नान, आप लोग भी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें आटे से बना हुआ हेल्दी नान, जो कि मैदा अनहेल्दी होता है खाना, और बच्चे को भी देना, इसे बच्चे भी खा सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। ऐसे ही सारे नान हम तवे पे सेक लेंगे और देखिए कितने अच्छे से हमारे नान बन रहे हैं। जब खाने का मन करे तब बना लीजिए, होटल में जाने की झंझट नहीं है। देखिए हमारे कितने सॉफ्ट और मुलायम बन चुके हैं नान।
आप देख सकते हैं इससे हमने 8 पीस बना करके रेडी किए हैं नान। देखिए कितने मुलायम, कितने सॉफ्ट रुई जैसा बना है हमारा नान। मैंने इसे चिकन के साथ सर्व किया है। आप लोग भी ग्रेवी वाले सब्जी के साथ, जैसे पनीर वगैरह सब्जी के साथ आप लोग भी इसे खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।